हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फर्स्ट लुक के बारे में, जो कि है गॉड द बूचर का, और उसी के साथ बात करेंगे मूवी के कुछ ऐसे सीन के बारे में जो कि आपको दिखने वाले हैं। बिल्कुल एकदम ऑफिशियली और एक्यूरेट आपको मैं सीन बताने वाला हूं जो कि आपको मूवी में दिखेंगे। अब मैं इस चीज को कितना 100% कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि यही मैं काम एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के टाइम कर चुका हूं, तो मुझे मालूम है कि अब वो दोबारा से मूवमेंट आ चुका है जिससे कि मैं उस अपडेट से आपको बिल्कुल एक्यूरेट सीन बताने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर्स के बारे में कि आपको मूवी में जो कैरेक्टर है उनकी कॉस्ट्यूम कैसे देखने को मिलेगी। जी हाँ, तो कॉस्ट्यूम काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है इस मूवी का, क्रॉक, जो कि बहुत ही कमाल का कैरेक्टर है। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, जिसमें कि उसने एकदम बर्फीले टाइप के कपड़े पहन रखे हैं, एक प्रॉपर एक ट्राउजर, पैरों के नीचे एकदम रुई वाला, और एक कंधों पे रुई शोल्डर पे बना हुआ है पूरे जैकेट टाइप का सा। तो बहुत ही कमाल का सीन होने वाला है। और देन आप देख सकते हैं क्रॉक पे एक बेल्ट भी है जिसपे की एक बकरी का निशान बनना है। अभी ऐसा क्या है और ये गॉड है क्या है, ये मूवी में देखने को पता चलेगा। उसी के साथ नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि मूवी की जान है, हमारे थॉर, फाइनली इनका सूट बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है और एकदम कह सकते हो बैटल आर्मर है जो कि लड़ने के लिए एकदम तैयार है मूवी में। तो ब्लू कलर का और ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत प्यारा लग रहा है, और आप देख सकते हैं कि बीच में गोल्ड गोल्ड दे रखा है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और थॉर का वेपन तो आप देख सकते हैं जो कि न्यू ब्रांड न्यू वाला है जो कि एवेंजर्स एंडगेम में हमें देखने को मिला था। उसी के साथ मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मूवी की जान होगी वो है जेन फॉस्टर। जी हाँ, माइथी थॉर जो कि इस मूवी में वो थॉर बनने वाली है, और इनका आर्मर भी रिबिल्ड कर दिया गया है आज ही के दिन। और देख सकते हैं आप जो माइटी थॉर का आर्मर है वो ब्लैक और सिल्वर टाइप का है, और सबसे इम्पोर्टेंट थॉर का जो हैमर है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। और फाइनली ये वही हैमर है जो कि आपने साल 2011 में देखा था, थॉर का हैमर जो कि रैग्नारोक के टाइम बिल्कुल ब्रेक हो चुका था बुरी तरीके से। इसका अगर डिटेल में बात करी जाए तो ये है उसका न्यू लुक, जिसमें कि आप देख सकते हो कि धारियां बनी हुई है। इसका मतलब ये वही थॉर का थोड़ा है जो कि हेला ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब ये दोबारा से रीबिल्ट हो चुका है, दोबारा से रिस्टोर हो चुका है सिर्फ माइथी थॉर यानी कि जेन फॉस्टर के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये मूवी में सबसे इंपॉर्टेंट सीन होने वाला है। उसी के साथ बात करें थॉर के हैमर की, तो उसमें कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं लग रहे हैं, बस हाँ आपको ये भी देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि आपको मूवी में दिखने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सीन के बारे में। तो फाइनली आपको मूवी के मिड में एक ऐसा फाइटिंग का सीन देखने को मिलेगा जो कि नंबर वन स्पेस में होने वाला है। जी हाँ, और एक बड़ी शिप होगी जिसको दो बकरियां चला रही होंगी, और ये आप देख सकते हैं आगे की तरफ ब्राउन कलर की और एक व्हाइट कलर की दो बकरियां हैं जो कि स्पेस में दौड़ सकती हैं, और वो ही उस नाव को स्पेस में लेके जा रही हैं। पर बीच में एकदम गॉड द बूचर की एंट्री होती है, और इस शिप पर जो मेन कैरेक्टर हैं वो है माइटी थॉर, जो कि ऑलरेडी बन चुकी हैं हमारी जेन फॉस्टर, उसके बाद थॉर जिनका अपग्रेड सूट है आप देख सकते हैं, और हमारी किंग वेलकरी, जी हाँ नाम थोड़ा चेंज कर दिया इस बार, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। उनके हाथ में भी एक तलवार है, और माइटी थॉर के हाथ में भी थॉर का हैमर है, और उसी के साथ थॉर के पास अपना खुद का वेपन है, और उसी के साथ क्रॉक भी है, क्रॉक के पास भी ये खुद का एक वेपन है। और उसी के साथ इस सीन में आपको गॉड द बूचर देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं नीचे दिखा रखा है। और देन जेन फॉस्टर का पूरा फर्स्ट लुक ऑफिशियली बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। अब इस चीज़ की कंफर्मेशन कैसे हुई कि ये फाइटिंग का सीन आपको स्पेस में देखने को मिलेगा, और गॉड द बूचर इस सीन में होगा क्योंकि थॉर से बुरी तरीके से लड़ने वाला है, और माइटी थॉर भी उसकी हेल्प करेगी। तो गाइस, ये है अगली नेक्स्ट इमेज जिसमें कि हमें देख सकते हैं कि चांद की शेप बनी हुई है नीचे, और चारों तरफ पीछे ब्लैक है यानी कि ये स्पेस है, और शायद मुझे लगता है कि शायद चांद पे लड़ाई होने वाली है। और लिटरली देखो, चांद का तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर स्पेस में लड़ाई होने वाली है। अगर चांद का भी सीन हमें देखने को मिला तो बहुत मज़ा आएगा, और मुझे इस सीन को देख के यही लगता है कि शायद स्पेस क्राफ्ट इनका जो भी जो नाव सी बनी हुई है, गॉड द बूचर ने उस पर हमला करा होगा और ये क्रैश हो गई होगी चांद पर, और फिर उसके बाद बकरियां देख रहे हो कि आप वो चांद की तरफ भाग चुकी हैं, और यहाँ पर हमारे माइटी थॉर और हमारा गॉड द बूचर लड़ रही हैं, और थॉर भी अपनी थंडर का यूज कर रहा है। तो ये बहुत ही कमाल का सीन होने वाला है, और लिटरली ये सीन अगर चांद पे हुआ तो मजा आ जाएगा। और देन ये फर्स्ट लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्या आप इस मूवी के सीन के लिए एक्साइटेड हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और लीगो के सेट कभी भी जब ये रिलीज होते हैं तो भाई वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम का रिलीज हुआ था, इन्फिनिटी वॉर का ही हुआ था, एंड गेम का रिलीज हुआ था, ठीक है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिवील्ड हो जाती हैं, और आपको
अब थॉर लव एंड थंडर का भी यही सीन एक्यूरेट देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।